2024 चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को मिली पंजाब की जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई, आंध्र में डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया अध्यक्ष। एनसीपी के नए दफ्तर में अजीत पवार का जबरदस्त स्वागत, समर्थन में हुई जोरदार नारेबाजी। शिंदे कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए अजीत पवार, एनसीपी के सभी नए मंत्री भी हुए शामिल। मुंबई में एनसीपी के नए ऑफिस पर हंगामा, चाबी न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने धक्के मारकर खोला दरवाजा। मंत्रालय में अजीत पवार और उनके गुट के मंत्रियों ने छत्रपति शिवाजी को किया नमन, राजमाता जीजाबाई अंबेडकर को भी दी श्रद्धांजलि। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार ने कल बुलाई बड़ी बैठक, वाईबी सेंटर में कल दोपहर 1 बजे होगी बैठक। बैठक में पार्टी के सभी सांसद विधायकों को उपस्थित रहने का निर्देश, जिला से लेकर ब्लॉक लेवल तक के पार्टी अधिकारियों को भी बुलाया गया। वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे शरद पवार, कल होने वाली बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में होगी एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 7 या 8 जुलाई को बैठक कर सकते हैं शरद पवार। शरद पवार से सिल्वर रोक में मिले जयंत पाटिल, मौजूदा हालात और कल होने वाली बड़ी बैठक को लेकर बातचीत। अमोल कोले ने सांसद पद से दिया इस्तीफा, कहा मैं शरद पवार के साथ हूँ। शरद पवार गुट का बयान, कहा अजीत पवार 35 विधायकों का नाम बताएं, नियम के अनुसार उन्हें 2/3 का चाहिए बहुमत। अजीत पवार की बगावत पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास का बयान, कहा शरद पवार के वंशवादी शासन के कारण टूटी एनसीपी। अजीत पवार के साथ एनसीपी के फिल्म सांस्कृतिक यूनिट समर्थन का किया ऐलान, 5 जुलाई को अजीत गुट की बैठक में होंगे शामिल। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस ने की बैठक, शरद पवार के प्रति जताई एकजुटता, कहा एमवीए महाराष्ट्र में फिर मजबूती से खड़ा होगा। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान, कहा कांग्रेस का होगा नेता प्रतिपक्ष, एमवीए एकजुट है, बीजेपी से लड़ेगा। मातोश्री में उद्धव गुट की मीटिंग, पार्टी के बड़े नेता शामिल, एनसीपी की टूट और एमवीए के भविष्य पर चर्चा। मातोश्री में हुई बैठक में बड़ा फैसला, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा, हर जिले में करेंगे जनसभा। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की अपील की, 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्दी फैसले की मांग की। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा 2-2 बार सीबीआई कर चुकी है जांच, जनता सब देख रही है। तेजस्वी पर सीबीआई चार्जशीट पर बोले सुशील मोदी, कहा ललन सिंह ने ही लालू के खिलाफ दिए थे कागजात, हृदय नंद शास्त्री ने लालू फैमिली को दी थी जमीन। सुशील मोदी की सीएम नीतीश से मांग, कहा तेजस्वी को तुरंत बर्खास्त करे सीएम, लालू के हाथ में अब कुछ नहीं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा दावा, कहा 13 जुलाई को लालू तेजस्वी की सीबीआई कस्टडी हुई तो नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा। बीजेपी ने लालू फैमिली को बताया रिवर्स रॉबिनहुड, कहा गरीबों को लूटकर जमीनें हथियाकर 600 करोड़ का घोटाला किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ बैठक, वर्चुअली जुड़े सदस्य देश, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग शामिल। एससीओ बैठक में पीएम मोदी का संबोधन, कहा पूरी दुनिया एक परिवार, ये भारत का सिद्धांत, एससीओ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। पीएम मोदी का बयान, कहा सुरक्षा विकास संप्रभुता का सम्मान हमारी अध्यक्षता की थीम, एससीओ का लक्ष्य केवल संस्कारों का संबंध नहीं है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के सामने पीएम मोदी का बयान, कहा कुछ देश आतंकवादियों को देते हैं पनाह, ये क्षेत्र शांति के लिए बड़ा खतरा। बेंगलुरु विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार पर 5 गारंटियां ना पूरी करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम येदुरप्पा ने कांग्रेस सरकार पर किया अटैक, कहा सिद्धरामैया डीके शिवकुमार ने घर घर जाकर दी थी गारंटी, अब पूरी नहीं कर रहे। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वरा का बयान, कहा हमने पूरी की 3 गारंटी, जल्दी 5 गारंटियां करेंगे पूरी। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा पीएम के खिलाफ प्रदर्शन करें बीजेपी विधायक, मोदी ने दी एफसीआई को चावल देने की रोका। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे, विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक रैली को भी करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर ईडी जांच को लेकर साधा निशाना, लिखा 80 हराओ बीजेपी हटाओ। शिवपाल यादव ने मायावती को बताया बीजेपी की बी टीम, ओपी राज पर संजय निषाद बोल बहुत हल्के लोग, इनकी बातों का भरोसा नहीं। चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल से सीएम स्टालिन डिस्चार्ज, कल रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। मंत्री सेंथिल बालाजी पर मद्रास हाईकोर्ट की बेंच का फैसला, मामले को बड़ी बेंच पे किया गया रेफर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को लगाई आग, खालिस्तान कट्टरपंथियों ने लगाई आग। सैन फ्रांसिस्को के अग्निशमन विभाग ने तुरंत आग पर काबू पाया, दूतावास को कोई बड़ी क्षति नहीं, एफबीआई को सौंपी गई आगजनी की जांच। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कड़ी निंदा की, प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट कर की निंदा। वाणिज्य दूतावास में आग की खबर पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा भारत और सिखों के दुश्मन बन रहे हैं खालिस्तानी, आईएसआई के हाथों खेल रहे हैं। 8 जुलाई को कनाडा में प्रदर्शन की तैयारी में खालिस्तानी, कनाडा के विदेश मंत्री मेलन जॉली का बयान, भारत के खिलाफ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री मेलन जॉली का ट्वीट, लिखा हम भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है, खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती का दिया भरोसा। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब, कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स पर जताई आपत्ति, पोस्टर्स पे थे इंडियन डिप्लोमेट्स के नाम। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, केदारनाथ धाम प्रोजेक्ट और यूसीसी पर दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, यूसीसी, कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा के लिए लिया मार्गदर्शन।
यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक, कहा लॉ कमीशन के साथ यूसीसी पर मंथन। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, कहा यूसीसी को धन से नहीं जोड़ा जा सकता, इसका नहीं होना चाहिए विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिख समाज 7 जुलाई को होगा दिल्ली में इकट्ठा। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, कहा मुसलमानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। यूसीसी पर यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बयान, पीएम मोदी के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय पर बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हित में था धारा 370 और 35A का हटना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा प्रदेश में पहले से अधिक शांति और भाईचारा। दिल्ली में सचिन पायलट से मिले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, खिलाड़ी बैरवा भी रहे मौजूद। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मोदी सर ने मानहानी केस में कार्रवाई पर लगाई रोक, 16 अगस्त को अगली सुनवाई। पंजाब के सीएम मान का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप, कहा मुख्तार अंसारी के बेटे को रोपड़ में दी गई जमीन, मान ने दिखाए दस्तावेज। आंध्र प्रदेश के पुट्टू पर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा यहां पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे, सेंटर में सांस्कृतिक दिव्यता के साथ वैचारिक भव्यता। पीएम मोदी का बयान, कहा लोगों की भागीदारी से हो रहा बदलाव, आज दुनिया में भारत तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम। तेलंगाना दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, सिकंदराबाद में गवर्नर सौंदर्य राजन, सीएम केसीआर ने की अगवानी। दिल्ली में एस जयशंकर से मिली यूएन की उप महासचिव अमीना, G20 SDG स्थिति, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। कोलकाता में यूके के व्यापार मंत्री निगेल हडलेस्टन, जोरा सानको ठाकुरबाड़ी का किया दौरा, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये का इजाफा, दिल्ली में अब 1780 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। इफको किसानों को देगी 2500 ड्रोन, 5000 ग्रामीण युवाओं को देगी ड्रोन से स्प्रे ट्रेनिंग, पीएम के सहकार से समृद्धि से प्रेरित अभियान। मुंबई में ईडी ऑफिस में पेश हुई टीना अंबानी, फेमा केस में हुई पूछताछ, कल अनिल अंबानी का बयान हुआ था दर्ज। सेना के चिनार कॉप्स ने स्की पेट्रोलिंग टीम की तैनात, एवलांच और माउंटेन रेस्क्यू टीम अमरनाथ यात्रा रूट में तैनाती। जम्मू बेस कैंप में योग शिविर का आयोजन, अमरनाथ यात्रियों को योग की दी गई ट्रेनिंग। आज से सावन मास की शुरुआत के साथ यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत, कांवड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए निर्देश, पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन कर रही है निर्देश। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की पुख्ता तैयारी की, सभी कांवड़ मार्गों पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट और वाइन शॉप पूरी तरह से प्रतिबंधित। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए 1000 सीसीटीवी, कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को किया गया बंद। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, सावन के पहले दिन बाबा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में सत्यनिकेतन के शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा, सावन के मौके पर श्रद्धालुओं की लगी कतार। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी भारी भीड़, सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त की पूजा। अयोध्या में सावन के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु, नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा। प्रयागराज में सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़, संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा की। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों की कतारें, सावन के पहले दिन लोगों ने पूजा की। सावन के पहले दिन भुवनेश्वर में भारी भीड़, भक्तों ने लिंगराज मंदिर में की पूजा। वाराणसी नगर निगम का फैसला, सावन के महीने के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। गंगा घाट के आसपास प्लास्टिक बैग और बोतलों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, जारी किए गए निर्देश। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी को मिली जमानत, गाड़ियों के काफिले से हूटर बजाता घर पहुंचा आरोपी, छोड़े गए पटाखे। पुलिस ने आरोपी मन्नी यादव पर दर्ज किया केस, गाड़ी की सीज, कोतवाली थाना इलाके के विसुंदरपुर गांव का मामला। एमपी के रतलाम में सीएम शिवराज ने पोस्टर, फोन पे सीएम पोस्टर्स पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में पाकिस्तानी महिला को खोजने में लगी पुलिस, 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई। हापुड़ में मामूली विवाद में भिड़े थे 2 समुदाय, जमकर हुई पत्थरबाजी, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हापुड़ में पुलिस ने पत्थरबाजों का जारी किया पोस्टर, 4 पत्थरबाजों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, काला जठेरी गैंग के 2 शार्प शूटर अरेस्ट, 6 पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पानी की टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। असम के कछार में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 276 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को पकड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है ड्रग्स। पालघर के बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग, केमिकल कंपनी में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने किया काबू। झांसी के सिपरी बाजार में दुकानों में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम, कई लोगों को बचाया गया। अतीक अशरफ के हत्यारों की बड़ी जुडिशियल कस्टडी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई लवलेश अरुण सनी की कस्टडी। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड, मौका वारदात का किया मुआयना। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में हुए अभिषेक हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात महज 300 रुपये के लिए अंजाम दी गई। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस का दिखा एक्शन, पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 1300 अवैध हथियारों पर चलाया बुलडोजर।
गुजरात के वलसाड में तेंदुए ने कई लोगों पर किया हमला, वन विभाग की टीम ने चलाया बचाव अभियान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में सब्जी बाजार का किया दौरा, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का लिया जायजा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में तेज बारिश, पहले से ही शिक्षण संस्थानों के बंद रखने के हैं आदेश। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात खराब, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बेंगलुरु में हुई तेज बारिश, कई जगहों पर जल जमाव। केरल के कोची में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी, कई जगहों पर हुआ जल भराव। गुजरात में पिछले 24 घंटे में नहीं हुई बारिश, मौसम विभाग ने 6 से 8 जुलाई तक बारिश का जारी किया अलर्ट। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियों तक आया पानी। जम्मू में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, दिन भर छाए रहे बादल और बारिश की है संभावना। लद्दाख के नॉर्थ करगिल में सुबह भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को बड़ी राहत, तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित किया। पेरिस में मेयर के घर पर हुए हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च, सैकड़ों लोग हुए शामिल। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस का ड्रोन अटैक, एक व्यक्ति की मौत, 16 घायल। यूक्रेनी सेना ने ईरानी ड्रोन से हमले का किया दावा, कई बिल्डिंग भी हुई जमीन दूर। स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ सीरिया में प्रदर्शन, हाथ में तख्तियां लेकर लोगों ने की नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी ने स्वीडन के झंडे में लगाई आग, बच्चों ने कुरान का किया पाठ। कनाडा में जंगल में लगी भीषण आग का धुआं यूरोप तक पहुंचा, अमेरिका के कई इलाकों में छाई धुंध। आग की चपेट में आने से 80,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का एरिया जला, कई जगहों पर आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ। चीन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, पुल सड़कें टूटी, मकान ढहे। बाढ़ के चलते 70 मकान ढहे, 2,000 से ज्यादा घरों को नुकसान, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अमेरिका के टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में गीता पाठ, 10,000 लोग जुटे, योग संगीता सीजीएस गीता फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम। तीसरे एशियस टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, स्पिनर नाथन लियॉन एशियस सीरीज से हुए बाहर। एशियस सीरीज के आखिरी तीन टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने दो खिलाड़ियों की छुट्टी की, रेहान अहमद और मैथ्यू पोर्ट्स को टीम से किया ड्रॉप। विराट कोहली समुद्र के किनारे वॉलीबॉल खेलते नजर आए, ईशान किशन और अश्विन समेत कई खिलाड़ी भी रहे मौजूद। गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन पहुंचे उमेश यादव, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, पत्नी तान्या के साथ भस्म आरती में लिया हिस्सा। उमेश यादव ने नंदी हॉल में बैठकर किया मंत्रों का जाप, सोशल मीडिया में फोटो शेयर कर कैप्शन में भगवान शिव मंत्र लिखा। लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को लगी चोट, माइनर सर्जरी के बाद भारत लौटे शाहरुख।